Let's do question number first of exercise 8A, that is circles. Question number first is, a point P is at a distance of 29 centimeter from the center of the circle. वो कह रहा है कि एक point P है जो कि 29 centimeter दूर है center से circle के. Of radius, जिसका radius 20 centimeter है. Find the length of the tangent drawn from P. हमें length निकालनी है जो tangent draw की गई है इस point P से to the circle, circle तक. तो देखिए, ये एक circle है और ये एक tangent, हमें पता है tangent वो होती है जो circle को एक point पे touch करती है, और वो कह रहा है कि ये एक center है, right? हमें radius दिया हुआ है और हमने अपनी थ्योरम अगर पढ़ी है तो जहाँ पे टेंजेंट टच करती है वो क्या होता है, रेडियस ही होता है. तो रेडियस हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और वो कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है. तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 29 सेंटीमीटर दे रखा है, 29 सेंटीमीटर. तो हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. हमें ये लेंथ बतानी है टेंजेंट की. मैंने आपको एक थ्योरम में बताया था टेंजेंट कितनी भी लंबी हो, हम लेंथ जो निकालते हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ तक का निकालते हैं. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये वाला, और यहाँ एक पॉइंट पी है, तो ये जो लेंथ है वो निकालेंगे. तो ये क्या आ गई, ई मान लीजिए. तो हमें पता है जब भी रेडियस टेंजेंट पे टच करता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. अब हमें जो जो दे रखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं कि हमारे को पता है ओ ई परपेंडिकुलर है पी पे, टेंजेंट पे, और ओ ई कितना दे रखा है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर दे रखा है. प्लीज़ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने से पहले मेरी सारी थ्योरम्स जो मैंने प्लेलिस्ट में 8A की प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर देखें और फिर ये क्वेश्चंस करें. अब हमें OP कितना दे रखा है, दैट इज़ 29 सेंटीमीटर. तो अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो ट्राइंगल OEP क्या हो गया, is a right angle triangle, right angled triangle हो गया. because क्यों, OE क्या है, perpendicular है P पे. तो so by using जब भी right angle triangle होता है तो हम कौन सी use करते हैं theorem, Pythagoras theorem उससे हम निकाल सकते हैं टेंजेंट की लेंथ. कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी. तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओई स्क्वायर प्लस ईपी स्क्वायर. तो ओपी कितना था, 29 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओई है हमारा 20 का होल स्क्वायर प्लस ईपी स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 29 × 29, 9 × 9 = 81, 9 × 2 = 18, 19 × 20, 21 × 22, 23 × 4, 25 × 26 × 2 × 9 = 18, carry 1, 2 × 4 = 5. तो ये आ गया 114, carry 1, 8. 841 equals to 400 हो गया plus EP square. तो EP square कितना आ गया, 841 में से 400 माइनस हुआ, दैट इज 441 आ गया. तो ई पी कितना आ गया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 441, और ये हमें पता है 21 का स्क्वायर रूट होता है, राइट. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर, इज द आंसर.